अच्छा गुरु जी, जो गला है तो कोई कोई जो गाते हैं तो लगता है कि उनकी आवाज़ टोन में है, पतली आवाज़ है जो सुनने में कभी कभी अच्छा नहीं लगता है। अगर वो व्यक्ति चाहे कि हमारी जो आवाज़ निकल रही है वो बेस में आए, तो उसके लिए क्या करना होगा? देखिए, जिस तरह माइक्रोफोन हम यूज करते हैं तो उसमें हम बेस मिलाते हैं, ट्रेबल मिलाते हैं, वैसे ही हमारे गले में बेस और ट्रेबल का रियाज अलग अलग है। स्वर ज्ञान अलग चीज है, स्वर का रियाज अलग चीज है, वॉयस का रियाज अलग चीज है। वॉयस को अच्छा कैसे करें उसका अलग रियाज है, गले को तैयार कैसे करें वो अलग चीज है। तो सबसे आपने पूछा कि बेस कैसे हो, तो दो तरह का होता है। एक वैसे आदमी होते हैं जिनके गले में ऑलरेडी बेस रहता है, गॉड गिफ्ट से आता है, बेस रहता है, तो वैसे आदमी को बेस का रियाज नहीं करना चाहिए क्योंकि बेस मौजूद है, ट्रेबल की कमी रहती है उनमें। जैसे किशोरदा काफ़ी बेस आवाज़ था, कुमार सानू काफ़ी बेस आवाज़ है, मगर सोनू निगम उनकी वॉयस में बेस की कमी है, ट्रेबल ज़्यादा था तो वो बेस का रियाज किया। जैसे मेरा गला है तो मेरे में बेस है, ऑलरेडी बेस है। खैर, जिनको बेस नहीं है, जिनकी आवाज़ पतली है, डेफ्थ नहीं है आवाज़ में, उनके लिए क्या रियाज ज़्यादा करना चाहिए ताकि उनके गले में बेस हो? जैसे आपने अलंकार का सीखा होगा, उसमें डबल डबल का अलंकार है ना, सा सा रे रे गा गा, इसी को आकार में आ, 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 आ में इसका प्रैक्टिस करने से दो बार फिर तीन बार आ, 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 फिर चार बार आ, 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 तो इससे डेप्थ भी आएगा और तैयारी भी आएगी, गला भी तैयार होगा।